हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद नेहा। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि आप लोग सभी को पता होगा कि इंग्लिश एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो गया है जिसमें सबको जानना इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को थोड़ा हार्ड नाम लिखने में या उसे कन्वर्ट करने में इंग्लिश में प्रॉब्लम होती होगी, तो आज इस वीडियो के बाद आप लोग को ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इसके लिए वीडियो पे एंड तक रहिएगा, जब भी आपकी ये कन्फ्यूजन दूर होगी। तो शॉर्ट से शॉर्ट नाम, मतलब छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा नाम आप आसानी से सीख पाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, गीता लिखा हुआ है। तो जी से ग का जो होता है, सबसे पहले हम कोई भी वर्ड का जो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जी से ग होता है, ग का जो स्पेलिंग होता है वो जी होता है। तो सबसे पहले हम जी लिख देंगे, ठीक ना। और जैसे के से क, के से का, या के से क, के से ख, जो 12 खड़ी होती है, और क से यर लव का जितना वर्ड होता है उसकी जो स्पेलिंग होती है, आप एक बार वो रिवाइज कर लीजिएगा। आपकी इंग्लिश की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक, एक जो स्तंभ बेसिक स्तंभ होता है वो हमारी वो 12 खड़ी के स्पेलिंग हिंदी का आप हिंदी में सीखिएगा। जब भी आपको हिंदी लिखना आएगा इंग्लिश का, उसके साथ साथ इंग्लिश के स्पेलिंग आनी चाहिए, जब आपको ये आसानी से समझ में आएगा। तो उसको आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। तो जी से क्या होता है, ग होता है, और इधर से जो गी होता है उसका क्या होता है, आई होता है, ठीक ना। गी सबसे पहले पहला वर्ड को देखेंगे, उसके बाद इस पर हर्षिका, दीर्घिका, हर्षु या दुर्गु जो दिया हुआ है वो देखेंगे। तो जी आई इन दोनों का काम हो गया। अब हमारा क्या बचा, टी ए। तो सबसे पहले हम टी का काम करेंगे, किसका करेंगे, त का। तो टी से क्या होता है, त होता है, टी से त। तो टी से लिखेंगे, ता जो हमारा होता है, ये दोनों जब होगा ता, ये ता है तो ए लगा देंगे। टी ए से क्या होता है, ता। टी से त और टी ए से ता, तो हमारे ये क्या हो गया, गीता। अगर गीता के स्पेलिंग इधर से भी होता है, अगर हम इधर से दीर्घी कर दे तो जी डबल ई और तब टी ए होगा, ठीक ना। ये नहीं कि यहाँ आई दिया हुआ है तो गलत है और डबल ई दिया होगा तो सही है। अगर जो डबल ई दिया होगा वो उस तरीके से लिखेगा, मतलब इधर से गी दे के फिर डबल ई, और जो ऐसे लिखता होगा आई। आई होप आपको ये कंफ्यूजन दूर हुई होगी। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, सबसे पहले आर, मतलब र। र किससे होता है, आर से होता है। तो जैसे हर, र हो, सी हो, मतलब कोई भी अक्षर हो और उसमें हर्षिकार हो तो वो आई से होगा, ठीक ना। जैसे यहाँ र, यहाँ हर्षिकार दिया हुआ है तो जैसे यहाँ आई लगा है तो यहाँ भी आई लगाएंगे, ठीक ना। और जैसे टी से त, तो त का यहाँ देखेंगे तो टी से त हुआ और टी ए से ता। तो ये क्या हो गया, ये गीता, ये क्या हुआ, हो गया रीता। अब है सीता। तो जो दंती से होता है, तलाबे से, मूर्धन्य से, वो एस एच से होता है, और जो दंती से होती है वो सिंपल एच से होती है, मतलब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा अक्षर नहीं है, सिर्फ एस होता है। और जैसे इधर से हर्षिकार है तो आई होगा, वैसे ही इसमें भी, ठीक ना। अब क्या है हमारा, तो टी से त, अब ए से ता, ये क्या हो गया हमारा, सीता। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में अब तीन वर्ड वाला नाम हम ले रहे हैं, जिसमें है सरिता, इसमें सीता था, रीता था, इसमें है सरिता। तो हम दंती स का क्या बताए हैं, एस, तो एस लिखेंगे। और जब कोई भी, देखिए स बोलने के साथ हमारा अ आ रहा है, स, जैसे हम वोवेल और कंसोनेंट का पहचान करते हैं तो वैसे करेंगे, स, स के साथ अ आ रहा है, तो अ का स्पेलिंग क्या होता है, ए, ए से अ, तो हम अ लगा देंगे, ठीक ना। अगर अ आ रहा है स के साथ तो हम अ लेकर चलेंगे, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो स अ आ रहा है तो ए, आर से क्या हो जाएगा, र, आई से री, और ये टी से त, आ ए से ता, तो ये हमारा हो जाएगा सरिता।
इस वर्ड में आप ये देखना बहुत जरूरी है कि अ आ रहा है कि नहीं, ठीक ना। अ का उच्चारण हो तो आप ए जरूर लगाइएगा। देखिए जैसे फिर से देखिए, एम से म, और म के साथ देखिए ए आ रहा है कि नहीं, म आ रहा है ना, तो हम यहाँ ए लगा लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे एम, मम, और टी से त, ए से ता, तो ये हमारा क्या हो गया, ममता, ममता, ममता बोले, ममता बोलते हैं, ममता। तो इसलिए हम इसमें ए नहीं लगाए हैं, क्योंकि ममता, इसमें म जो है उसका उच्चारण हम जल्दी से कर लेंगे, अ का उच्चारण नहीं होगा, मम, ममता, ममता, मतलब इसके साथ अ आ रहा है, इसके साथ नहीं, तो हम इस तरह से ममता, इसके साथ ए नहीं लगाए हैं, ठीक है ना। अब सेम देखिए इसी पर तरीका से एक और है, तो ए से अ, अ के साथ अ आ ही रहा है, तो अ क्या होता है, व्यंजन वर्ण नहीं स्वर्ण वर्ण होता है, इसीलिए ए के साथ ए का उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। ए, एम, म, ए, टी, ए, क्या हो जाएगा, अमता। म, इसमें म का देखिए, जैसे यहाँ म का उच्चारण किए हैं तो ए आ, अ आ रहा था, इसीलिए ए, तो अ आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे ए लगाए, तो क्या हो गया, अमता। अब देखिए आदित्य, आ का स्पेलिंग क्या होता है, डबल ए से आ होता है, होता है ना। और डी से द, तो डी लिखेंगे, इधर से दिया हुआ है तो आई, आधा ट है तो ट लिखेंगे, ठीक है, टी लिखेंगे। जब कोई भी वर्ड आधा हो तो उसके साथ ए का उपयोग नहीं कीजिएगा, सिर्फ जो वर्ड हो या त हो, यहाँ आधा प हो तो सिर्फ पी लिखा जाएगा, आधा त हो तो त लिखा, आधा क हो तो के लिखा, ए का उच्चारण उसके साथ नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, आधा है, ठीक। त, वाई से क्या होगा, य, आया में ए लगा देंगे तो क्या होगा, आदित्य। अगर यहाँ पे पाई नहीं भी रहे तो भी आप आदित्य लगा के छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या है, आयुष, तो ए, डबल ए से आ, वाई से य, लव में वाई से य, इधर से हर्षुकार दिया हुआ है तो यू, अगर दुर्घुकार दिया हुआ है मतलब इधर से हर्षुकार दिया हो तो डबल ओ से, ठीक ना। आप यही एक मतलब छोटी छोटी पॉइंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, इसको आपको लेके चलना होगा, मतलब दिमाग में ध्यान में लेके चलना होगा। तो इधर से दिया है तो इसलिए यू, आ एस एच से क्या होता है, मूर्धन्य स, तालाब्य स, मूर्धन्य स, एस एच से होता है, और दंती स ये वाला होता है वो सिर्फ एच से होता है। अब नेक्स्ट में देखिए क्या है, रागनी, आर से क्या होता है, र, ए से रा, जी से ग, आ रागनी, रागनी, ग के साथ अ, हम जल्दी रागनी बोल रहे हैं, राग ग, अब लंबा ग बोलेंगे ग तो उसके साथ तो आएगा ही, पर नाम में बोले रागनी, रागनी, अ नहीं ना आ रहा, इसीलिए हम यहाँ ए नहीं लगाएंगे। अब एन से क्या हो जाएगा, एन से न, आ डबल ई से हर्षिकार दिया हुआ है इसलिए डबल ई, अगर दीर्घिकार, अगर डबल ई नहीं तो आई भी लगा देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक ना। अगर डबल ई का उपयोग नहीं करके हम आई भी लगा दे तो भी हमारा सही होगा, गलत नहीं होगा। तो अब देखिए, अब है तब्बू, अब आधा वर्ड वाला को हम कैसे लिखेंगे, त, त के साथ अ का आ रहा है त, आधा ब है तो आधा ब मतलब सिर्फ बी लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे क्योंकि आधा है, अब फिर उसके साथ बी तो ई लिखेंगे, हर्षुकार दिया हुआ है तो यू लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, तब्बू, तब्बू। अगर तब्बू रहे, सिर्फ ये ब नहीं, बीच वाला ब नहीं रहे, सिर्फ ऐसे ब रहे तो ये बीच वाला बी नहीं लगाइएगा, ई लगा दीजिएगा, मतलब ए वाला बी और यू। इसी तरीके से हम इंग्लिश में कोई भी वर्ड को कन्वर्ट कर लेंगे हिंदी से, एक एक पहले हर वर्ड को, पहले जैसे यहाँ पे अ, म, ता, एक एक वर्ड को स्पेलिंग में लिख के और फिर इस तरीके से हम चेंज कर लेंगे। तो आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारी ये लिखने की ट्रिक आपको अच्छी लगी हो, तो हम वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।